एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल इंडिया वालों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही मज़े की वीडियो है और आप सब लोग इस वीडियो का टाइटल सुन के हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो का जो टाइटल है वो है बूस्ट अर्बन मोबिलिटी कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट बाय पीएम मोदी प्रधानमंत्री जो इंडिया के। वीडियो करता हूँ शुरू। बहुत ही कमाल की वीडियो है, आप सब लोग देख के हैरान हो जाएंगे। मुझे कमेंट करके आप सब ने लाजमी बताना है कि आप सब लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। देश की तरक्की के लिए जरूरी है विकास की तेज रफ्तार। तो विकास की इसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वर्ष 2014 से देश में मेट्रो रेल सेवाओं का विस्तार तीव्र गति से हो रहा है। प्रधानमंत्री की ईज ऑफ लिविंग संकल्पना के तहत शहरी जीवन की गुणवत्ता सुधारने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर करने और प्रदूषण मुक्त यात्रा के साधन के तौर पर मेट्रो की परियोजनाओं को गति दी गई। अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी काफी वर्क कर रहे हैं मेट्रो पर ना, इंडिया 5 शहरों में मेट्रो रेल थी, आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। वर्ष 2014 के पहले जहां देश के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा थी, तो वहीं आज 18 शहरों में मेट्रो का विस्तार हो चुका है। केंद्र और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद से देश के किसी अन्य राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा 5 शहरों में मेट्रो परियोजनाएं आगे बढ़ी। बीते 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के 4 महत्वपूर्ण शहरों लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 83 किलोमीटर मेट्रो के संचालन के आरंभ के बाद कानपुर और आगरा शहरों के साथ मेरठ को राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाली RRTS परियोजना के तहत 131 किलोमीटर लंबे नए कॉरिडोर्स का निर्माण कार्य तीव्र गति से जारी है। कानपुर में 15 नवंबर 2019 को मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। इसके बाद से ही IIT कानपुर से मोती झील के बीच 9 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर पर अत्यंत तीव्र गति से निर्माण कार्य हुआ। 2 साल से भी कम समय में 10 नवंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में मेट्रो ट्रेन का ट्रायल हुआ। कोविड की 2 लहरों की गंभीर चुनौती के बीच भी काम की गति को उत्तर प्रदेश मेट्रो की टीम ने बनाए रखा। प्रायोरिटी कॉरिडोर के सभी 9 स्टेशन इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लैटिनम रेटिंग से प्रमाणित हैं। गुरुदेव चौराहे पर स्थित कानपुर मेट्रो डिपो अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय है। कानपुर मेट्रो परियोजना के अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक से युक्त 3 कोच वाली मेट्रो ट्रेन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गुजरात के सावली में निर्मित हैं। कानपुर वासियों के लिए आज ऐतिहासिक क्षण है जब कानपुर मेट्रो का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। कानपुर में मेट्रो रेल शुरू होने से शहरी परिवहन न सिर्फ सुगम और सुरक्षित होगा बल्कि शहर के प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी। कानपुर वासियों की जीवन शैली में बदलाव होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांग जन को यातायात का सुरक्षित साधन प्राप्त होगा। 2024 तक दोनों कॉरिडोर्स के निर्माण के बाद लगभग 9.4 लाख कानपुर वासियों के मेट्रो के सफर का आनंद लेने का अनुमान है। सबसे ज्यादा परियोजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश मेट्रो के मामले में सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल होकर मेट्रो प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। सोच ईमानदार, काम दमदार। वीडियो आप सब लोगों को कैसी लगी? मुझे लगता है आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और शायद जो मेरे माइंड में सवाल है वो आपके भी माइंड में हो सकता है। मैं ये बात करना चाहूँगा कि जैसे कि मेट्रो तो बन गई है, ये बहुत अच्छी सहूलत है और बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में 18 जो शहर हैं उसके अंदर मेट्रो बनी है, ये बहुत अच्छी बात है, ये इंडिया के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। लेकिन एक बात ये भी है कि जहाँ जैसे ऑटो रिक्शा वाले होते हैं, ठीक है, ये जो चिंची होता है, हमारे यहाँ तो चिंची कहते हैं ऑटो रिक्शा वाले,
इन लोगों का क्या बनेगा? कभी ये किसी ने सोचा है? मेरे माइंड में ये चीज सोच आई है कि इनका क्या बनेगा। क्या मेट्रो तो चल गई है, मेट्रो पे टिकट भी बहुत कम होगी, जैसे 10 रुपये, 20 रुपये, इस तरह करके 5 रुपये होगी, कुछ ना कुछ तो होगी, बहुत कम होगी रिक्शा से। ठीक है, तो रिक्शा वालों का क्या बनेगा, ऑटो का? ये कभी किसी ने सोचा है तो मुझे कमेंट करके लाजिम बताएं किस किस ने इस बारे में सोचा है। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तब तक के लिए बनिए रहेगा मेरे चैनल के साथ। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।